आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आपने अच्छे एक्सेसरीज भी ऐड कर ली और आपने अच्छे शूज भी, स्नैकर भी ऐड कर लिए, लेकिन अगर आपने अपना अच्छा हेयर स्टाइल नहीं सेट किया तो सारी चीज बेकार है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आज हम बात करेंगे हेयर स्टाइल के ऊपर, क्योंकि काफी दिनों से कमेंट मिल रही थी कि भैया एक हेयर स्टाइल के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको ये सिखाएंगे, पहली बात तो कि आप अपना फेस शेप कैसे डिसाइड करो, उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि आप अपनी हेयर स्टाइल जो बेस्ट हो आपके लिए, आपको कहीं डेट पे जाना, आपको कहीं मीटिंग पे जाना, आपको किसी इंपॉर्टेंट काम पे जाना, तो उससे पहले बेस्ट हेयर स्टाइल कैसे डिसाइड होगी ताकि आपका एक अलग लुक आए, आप वहां पे जाओ लोग आपको देख के चौंक जाए कि अरे यार ये शिवम है, ये प्रवीण है, इतना अच्छा लुक। जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मदद आपको मेरी करनी होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑन करना और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक ही शेयर भी करना है जिनकी हेयर स्टाइल आपको लगता है अच्छी नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे फेस शेप। टोटल देखिए जो फेस शेप होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि उनमें से फेस शेप आता है राउंड फेस शेप, ओवल फेस शेप, डायमंड फेस शेप, ट्रायंगल फेस शेप, स्क्वायर फेस शेप। दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे राउंड फेस शेप। राउंड फेस शेप में बहुत सारे सिंगर भी हैं अपने, जैसे कि आप ले सकते हैं बादशाह जो है वो राउंड फेस शेप है उनका, काफी जितने भी लोग होते हैं जिनके फेस पे फैट ज्यादा होता है उनका राउंड फेस शेप ही आता है। लेकिन इसमें दो तरह के लोग बटेंगे। देखिए अगर आपके बहुत ही ज्यादा बियर्ड आती है वो एक अलग कैटेगरी में उनको हम डाल देंगे, और जिनके बियर्ड नहीं आती उनको अलग कैटेगरी में डाल देंगे। सबसे पहले कैटेगरी ए, देखिए अगर आपके बियर्ड आती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हेयर है आपके, घने हैं, तो आपको करना क्या है, तो ऐसी स्थिति में आप कर क्या सकते हो, बियर्ड को हैवी रखना है, आपको करना क्या है अपने जो साइड वाले हेयर है उनको 0 से 0, 1, 2, 3 इस तरह से फैड करके रखना है ताकि जो आपकी जो बाल की लाइन शुरू होगी बियर्ड के ऊपर से वो महीन होगी, फिर उसके बाद डार्क होगी और फिर उससे ज्यादा डार्क। और वहीं पे अगर मैं बात करूं बियर्ड का, फिर इसका उल्टा करना है, मतलब कि जहां से आप हेयर खत्म हो रहे हैं फिर वहां से बियर्ड शुरू होगी, चिक के पास वाला एरिया वहां आपको वो लाइट बियर्ड रखनी है, उसके बाद डार्क करनी है, दिन और डार्क करनी है। ये लुक अगर आप अपनाओगे और मीटिंग में जाने से कहीं से भी पहले आप पाओगे कि आपको वो लुक मिलेगा, आपकी वो जो फोटो निकल के आएंगे फोटोशूट में कि आप कहोगे यार वाह भाई वाह, राघव भाई आपने कमाल कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको एक स्किन केयर की टिप भी देना चाहता हूं, यदि आपका चेहरा और आपका फेस शेप लेकर आप परेशान हो, आपके फेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आपको ऑल इन वन एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है स्किन प्रोटेक्टर आयुर्वेदिक क्रीम। ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी आसानी से, मीशो पे भी अब मिलने लगी है, 433 रुपए की है इस समय, प्रेजेंट समय पे आपको 3 पीस मिलेगी। रात को लगा के सुना होता आप पाओगे 5 से 6 दिन के अंदर आपके पिंपल, आंखों के काले घेरे, यहां तक कि जिन लोगों को झाइयां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, आपकी स्किन यंग दिखने लगेगी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा मोटा फेस है ना, बहुत सारे परेशान हो तो फेस फैट है जिनका, उनका फेस भी टाइट होगा इस क्रीम के रेगुलर यूज से। और इस क्रीम को रात को लगाया जाता है और सुबह सादे पानी से आप वॉश कर सकते हो, या फिर इनका फेस वॉश आता है उससे भी वॉश कर सकते हो। तो ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है फेस प्रॉब्लम के लिए, आपकी फेयरनेस के लिए, डलनेस के लिए, सभी के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों की बियर्ड नहीं आ रही उनको क्या करना है। देखिए जिनकी बियर्ड नहीं आ रही है वो लोग मैसी हेयर का यूज कर सकते हैं अपने हेयर पे, और बियर्ड को वो लोग ट्रिम करके जरूर रखे, ठीक है। एक दो बाल आ रहे हैं, फिर छोटे छोटे बाल हैं, उनको कभी भी गलती नहीं करनी है, जिनके बियर्ड पैची बियर्ड है जिनकी, उनको बिल्कुल गलती नहीं करनी कि वो अपने बियर्ड के हेयर को ग्रो होने दे, ना भाई उनको ग्रो मत हो, उनका पहले कत्ल कर डालो, उनको हमेशा ट्रिम करके रखो एक नंबर पे कोशिश करके, या फिर 0 नंबर पे, ठीक है। ऐसा कोशिश करके आपके बाल जो है उसके साथ जो बियर्ड है आपका फेस शेप है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ओवल फेस शेप पे। देखिए इस फेस शेप के बहुत ज्यादा प्लेयर होते हैं, जैसे कि मैशी है उनका ओवल फेस शेप है, वो किसी भी टाइप का अगर हेयर स्टाइल रखेंगे तो उनको चल जाएगा। यार आपने बहुत सारे सिंगर देखा होगा, जैन मलिक को देखा होगा, उन लोग कोई भी फेस शेप पे अपना हेयर स्टाइल रखे या फिर एक्सपेरिमेंट भी करे तो ऐसे लोगों को तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो कोई सा भी अपना फेस शेप पे कोई सा भी डिजाइन करें, एक्सपेरिमेंट करें, उनको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सबसे बेस्ट कैटेगरी का फेस शेप होता है। वैसे आप भी अपना फेस का फैट कम करके अपने फेस को बेस्ट लुक दे सकते हो, और अब हाँ अपनी उम्र से 4 से 5 साल तक यंग दिख सकते हो। इसमें आपको करना क्या होगा, शुगर को खत्म करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी और मोस्ट डिमांडिंग फेस शेप के ऊपर, जिसका नाम है डायमंड फेस शेप। देखो डायमंड फेस शेप से आपको पता ही चल रहा होगा, ऐसे लोगों का जो होता है फोरहेड काफी ज्यादा बड़ा होता है, उसके बाद चीक होता है वो फोरहेड से थोड़ा छोटा होता है, और उसके बाद जो उनका चिन का एरिया होता है, दाढ़ी का एरिया होता है, वो और भी पतला होता है। तो ऐसी फेस शेप
डायमंड फिश शेप कहलाते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को करना क्या होता है, मिस्टेक में बता, बहुत सारे लोग करते क्या है, उनका एक्चुअली में फोरहेड का साइज बड़ा होता है, तो वो लोग करते क्या है, बहुत ही छोटे छोटे हेयर लगा लेते हैं। ऐसे में बिल्कुल भी गलती मत करना, कभी भी आपने छोटे हेयर मत रखना। ऐसे में आप मेशी हेयर स्टाइल रख सकते हो, या फिर उन जो बाल आपके हैं वो आप आगे की तरफ काफी लंबे या फिर घने हो सकते हैं, पीछे की तरफ 2-3 नंबर पे करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और ऐसे में आपका जो लुक है वो काफी ज्यादा मैक्सिमम निकल के आएगा। बात करेंगे ट्रायंगल फेस शेप के ऊपर। ट्रायंगल फेस शेप वो फेस शेप होते हैं जिनका जो ऊपर का फोरहेड होता है वो पतला होता है, चिन का एरिया मोटा होता है, और चिक का एरिया फोरहेड से थोड़ा ज्यादा होता है, और जो बियर्ड वाला एरिया होता है वो हल्का सा पतला होता है। ऐसे में आपको करना क्या है, आपके फेस को बैलेंस करने के लिए आपको काफी ज्यादा हैवी बियर्ड रखनी है। यहाँ पे आपको बियर्ड को ट्रिम मत कराइएगा, लुक अच्छा नहीं आएगा अगर आप ट्रिम कराते हो। और बात करूँ हेयर, तो उनके ऊपर भी हेयर हर टाइप के चलते, वो भी आप मीडियम फेड करा सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर फेस शेप के बारे में। स्क्वायर फेस शेप के लिए भी बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल है, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्किन पे आ रही होंगी, ये हेयर स्टाइल आप रख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और सबसे लास्ट फेस शेप की बात करूं, ऑब्लॉन्ग फेस शेप। देखो ऐसे फेस शेप में बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं हेयर स्टाइल रखूं तो किस तरह रखूं। ऐसे लोगों का जो होता है मत्था भी बड़ा होता है, और जो उनका फेस होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है, तो ऐसे लंबे फेस शेप में बहुत सारे लोग अगर हैवी बियर्ड रखते हैं, फिर बहुत ज्यादा बड़े बाल रखते हैं, तो सबसे बड़ी ज्यादा गलती होती है यार। देखो तुम्हारा फेस पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा लंबा है, उसके बाद भी तुम अपने हेयर बड़े रख रहे हो और बियर्ड बड़े रख रहे हो, नहीं, ऐसे में आप मीडियम हेयर लेंथ करा के रखिए अपने बालों पे, और अपने आसपास जो एरिया होती है यहाँ पे बियर्ड के ऊपर वाली, यहाँ पे आप फेड भी करा सकते हैं अपने बालों में, अच्छा लुक आएगा। और जो बियर्ड है आप कभी भी 2 नंबर के ऊपर मत रखे, अच्छा लुक नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे।